अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ब्लेंड टूल के बारे में। ये जैसे भी आप देख रहे हैं ब्लेंड टूल, तो ब्लेंड टूल क्या क्या काम कर सकता है और कैसे कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं 2 पिन 9, और इसकी हम एक कॉपी इस तरह ले लेते हैं कॉपी। अब हम जाएंगे ब्लेंड टूल पे और हम इस लाइन पे क्लिक करके इस लाइन तक ला कर छोड़ देंगे। देखा ये दोस्तों, ये आपने ब्लेंड टूल में बहुत सारी आप एक शेप्स ले ली हैं, लाइन्स पूरे इस दोनों लाइन के फासलों के दरमियान लाइन ही लाइन शेप टूल में कर दी है। और अगर आप इनको बढ़ाना चाहते हैं तो ये 20, आप इनको 21, 22 कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको रोटेशन देना चाहते हैं तो ये आप रोटेशन दे लें इसका। हम इसको जीरो करते हैं, आप देखते हैं रोटेशन। और अब हम इसको कोई भी पहले कलर देंगे, विदाउट कलर ये काम नहीं होगा। अब ये देखें मल्टी कलर, और ये और मतलब पहले ऊपर से नीचे की तरह मल्टी कलर था, अब नीचे से ऊपर कलर, ऑब्जेक्ट एक साइड पे हो गया और ये कलर। ये आप ये ऑप्शंस कुछ इस थिंग के लिए। और अब हम दोस्तों एक आपको बड़ी ही मज़ेदार चीज़ बताएंगे। हम लेंगे कुकिंग और ये देखें दोस्तों, हमने एस की शेप में इसको कर दिया। अब हम न्यू पाथ पे जाएंगे और अब इस लाइन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों, अब इसको लाइन्स को इस तरह बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों मैं लाइन बढ़ाता जा रहा हूँ और मैं इसको 100 तक लेके जाऊँगा। यहाँ से इसकी रोटेशन हल्की सी बढ़ा दूँगा। दोस्तों ये आपने देखा कि एक लोगो बन गया, और अब सिंपल कंट्रोल ये दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बहुत सारे कलर्स में कलर में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, सिंपल सिंगल कलर में। और मैं चाहूँ तो इसको मल्टी कलर में कर, देखें इसकी एक सेटिंग बना ली। तो दोस्तों कैसा लगा आपको टूल ब्लेंड टूल? अगर अच्छा लगा और हमारे ट्यूटोरियल पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पर क्लिक भी करिए। शुक्रिया।